हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि जो आरपीएससी वाई आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की जो एग्ज़ाम हुई थी 4, 5, 6 और 7 तारीख को अभी नवंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसके मैंने जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसकी जो आंसर की है मैंने वो डाल दी है। तो अब जो नेक्स्ट जो आंसर किया है वो जो मैकेनिकल ब्रांच का जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन है, लगभग 90 के लगभग जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर है वो मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे, जैसे जो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितनी जाएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में उसी का बनाने वाला हूँ, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की जो मैकेनिकल ब्रांच का जो पेपर हुआ था, 6 नवंबर को उसकी जो आंसर की है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट पे जो एंथैल्पी वेपोराइजेशन होता है वो कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो कि इसका आंसर 100% ये नहीं होगा, अगर आपको करेक्ट पता है कि इसका आंसर ये होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर विद उसका आंसर, कि आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होगा और आपकी आपने कितने नंबर ऑफ द क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट किए हैं, तो वो भी साथ में ज़रूर लिखिए। इससे हमें एनालिसिस करने में पता चल जाएगा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितनी जा सकती है। जहाँ तक जो एनालिसिस इलेक्ट्रिकल का, सीएस का और सिविल का देखने से पता चला कि इसका जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि ज़्यादा टफ नहीं था, इजी और मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगी और ज़्यादा लो भी नहीं रहेगी। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इस जो कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रहेगी ओबीसी की, एससी एसटी की, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, जितनी जो भी कट ऑफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट पर, जो वेपोराइजेशन वो कितना रहेगा, 0, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा नोजल एंगल, उस एंगल को बोलेंगे नोजल एंगल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट दैट कनेक्ट्स द सेचुरेटेड लिक्विड लाइन टू द सेचुरेटेड वेपर लाइन इज कॉल्ड एज, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको द मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके जो कैलकुलेशन करने के बाद तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -4.2, जो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा -4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका न्यूमेरिकल आएगा। इसमें आपको पूछा कि द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द विसल, जो विसल के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर है वो आपको जो वैल्यू से विसल बाहर की दी हुई है, प्रेशर आपको दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है मीटर पर सेकंड 9.81 मीटर पर सेकंड। तो आपको पूछा कि एब्सोल्यूट प्रेशर इन विसल में, उसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर वो कितना रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 26.303 bar, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील रोड 10 mm इन डायमीटर एंड 1 mm लॉन्ग इज हिटेड फ्रॉम 20°C टू 120°C इज गोज टू 200 GPa एंड एल्फा की वैल्यू दी हुई है आपको 12 × 10⁻⁶ per °C। तो इसके अंदर आपको जो वैल्यू पूछे वो पूछे कि द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड, जो थर्मल स्ट्रेस है वो कितना रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 240 MPa कंप्रेसिव, 240 MPa कंप्रेसिव, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हमें मिला नहीं है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में, अगर आपका आंसर सही है करके आए हो, आपको याद है इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटर हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन वो कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोराइन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो वैल्यू है न्यूमेरिकल, यानी कि मैकेनिकल के अंदर अभी तक ये एनालिसिस हो गया कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा पोर्शन आया है। देख लो, अभी सिर्फ 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें 4 या 5 न्यूमेरिकल हैं वो आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो वैल्यू पूछे, प्रेशर इज कंटेंट द
सीमेंट वर्क है, यानी वर्क डन कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा -36 किलो जूल, -36 किलो जूल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है कि द प्रेशर रेशियो इज सेम वुड रिजल्ट इन, यानी कि द एयर स्टैंड ब्राइटन सेल इंक्रीज इन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल वाइल कीपिंग द प्रेशर रेशियो इज सेम वुड रिजल्ट इन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज इन द एफिशिएंसी बट रिडक्शन इन नेटवर्क, यानी कि इफिशियंसी इंक्रीज होगी और जो नेटवर्क होगा वो रिड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजिशन ऑफ द गिवन कंपोनेंट इन इन टर्बो प्रोप। टर्बो प्रोप में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर वो होगा प्रोपेलर होगा, उसके बाद में कंप्रेसर होगा, फिर बर्नर होगा, फिर टर्बाइन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कैविटेशन कैन नॉट अकर इन, जो कैविटेशन होता है वो किसके अंदर अकर नहीं होता है, वो किसके अंदर नहीं होता है, वो पिस्टन पंप के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में, पिस्टन पंप। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर ये होगा। ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा कि व्हाट इज द न्यू इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द न्यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इन टर्म ऑफ यू। ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा हाफ यू, 1/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन स्टीम पावर प्लांट द रेशियो ऑफ द आइसोट्रॉपिक हीट ड्रॉप इन द प्राइम मूवर टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम इज नोन एज। तो ये किसकी डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है रैंकिन इफिशियंसी, जो स्टीम पावर प्लांट जो रैंकिन साइकिल पे वर्क करता है ये उसकी डेफिनेशन ये है, रैंकिन इफिशियंसी की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 का है रैंकिन इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर इन स्पार्क इग्निशन इंजन, जो इनिशियल फंक्शन जो स्टार्टिंग जो फंक्शन होता है किसका, कार्बोरेटर का इन स्पार्क इग्निशन इंजन में, तो वो कौन सा होता है, इनिशियल फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 का होता है ब्रिंग आउट, ये ऑप्शन नंबर 2 है ब्रिंग आउट मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल टू गेट ए होमोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन ऑन द एयर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर जो एयर का वर्क डन है वो कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा 12 किलो जूल, 12 किलो जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें आपको निकालना है कि इन इन्वर्टर क्लेम ए थर्मल इंजन ऑपरेटर बिटवीन ओशन लेयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस, इट प्रोड्यूस 10 किलोवाट एंड डिस्चार्ज 9900 किलो जूल मिनट, सच एन इंजन इज, तो वो इंजन क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा इम्पॉसिबल, करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी आंसर दोस्तों हमें मिला नहीं है क्वेश्चन नंबर 18 का, कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर वो क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रूट्स ब्लोअर इज एन एग्जांपल ऑफ, जो रूट्स ब्लोअर है वो किसका एग्जांपल है, रूट्स ब्लोअर एग्जांपल किसका है, वो है रोटरी का, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी आंसर दोस्तों हमें नहीं मिला है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर वो क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल है, हीट वर्क रिक्वायरमेंट, यानी हीट वर्क रिक्वायरमेंट विल भी कितना होगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है और एनर्जी आपको दी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का होगा 1.5 किलोवाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन ए लिथियम बोरोमाइड एब्रोप्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 में होगा, वाटर इज यूज एज ए रेफ्रिजरेटर एंड लिथियम ब्रोमाइड एज ए एब्जॉर्बेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में आपको वैल्यू पूछी गई है कि द प्लेस्ड इन द मिडल इन रिड्यूस द रेडिएशन हीट एक्सचेंज टू, रेडिएशन हीट एक्सचेंज टू, तो क्वेश्चन नंबर 23 में होगा 1/4, इतनी रिड्यूस हो जाएगी हीट। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है मैकेनिकल में, तो जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज, जैसे मैकेनिकल हो गया, सीएस हो गया और आईटी का जो पेपर था, उनके कंपैरिजन में जो मैकेनिकल का जो पेपर है वो थोड़ा टफ है क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें ज़्यादा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है,
आपको ए वन ए टू की वैल्यू दी है, एफ वन वन टू दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको पूछा है कि सेफ फैक्टर एफ टू वन विल बी सेफ, जो फैक्टर वो कितना होगा, वो होगा 0.15। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर टू, द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर मेंबर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन लोड विद द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी येल द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट व्हेन यूजिंग, तो क्वेश्चन नंबर 25 में होगा शोडरबर्ग रिलेशन, शोडरबर्ग रिलेशन ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द कंटिन्यूटी इक्वेशन वो सेटिस्फाई करती है किस इक्वेशन को करती है, क्वेश्चन नंबर 26 में होगा यू इज गोज टू एक्स प्लस टू वाई और वी इज गोज टू टू एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एट दिस लोकेशन विल बी, यानी आपको वैल्यूज दी हुई हैं, प्रेशर दिया हुआ है, हेड दी हुई है, तो इसका जो लोकेशन पूछी है आपको, जो लोकेशन ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एट द लोकेशन विल बी कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 27 में होगा ऑप्शन नंबर वन 13 मीटर, 13 मीटर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर के द्वारा पावर कंज्यूम कितनी होगी, यानी वर्क रेशियो दिया हुआ है आपको, और साइकिल प्रोड्यूस 4000 किलोवाट एनर्जी जूल आपको वर्क वर्क दिया हुआ है, तो इसका जो कंप्रेसर पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 में होगा 6000 किलोवाट, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इन ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर आपको कोल्ड फ्लूड, जो कोल्ड फ्लूड इंटर वो दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस और लीव्स एट 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसमें आपको पूछा द मेन टेम्परेचर डिफरेंस, जो मेन टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट होगा, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन इन लेमिनार फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा आर ई टू द पावर माइनस का 0.5, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको पूछा है कि इफ द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर फैटिग्यूल टेस्टिंग मशीन इज इंक्रीज, जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मशीन फैटिग वो इंक्रीज करते हैं, द इंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल विल बी कितना होगा, ऑप्शन नंबर वन हैव सेम वैल्यू एज दैट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वेलोसिटी ऑफ द फ्लेम प्रोपेगेशन इन द एसआई इंजन इज मैक्सिमम फॉर ए फ्यूल एयर मिक्सचर विच इज इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा, इक्वल रहेगा उसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में आपको पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर डिसाइड द फैक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायोट नंबर, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है न्यूक्लाइट्स बॉइलिंग इज प्रोमोटेड, न्यूक्लाइट ब्रोमेट इज बॉइलिंग इज प्रोमोटेड टू द ऑप्शन नंबर वन ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में द रेशियो बी बाई ए फॉर जीरो बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पाम, तो आपको रेशियो पूछा है बी बाई ए का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3/2, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ द बीम, तो फ्री एंड ऑफ द बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 36 में वो होगा 3 PL³³ अपॉन एट आई ई 81 EI, तो ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन इन द सुपर हीटेड रीजन ऑफ द मोइलर डायग्राम हैव व्हाट टाइप ऑफ स्लोप, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव स्लोप, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा कि इफ द स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड द लिंकेज बिकम, जो लीकेज होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 38 में डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म यूजिंग लोअर पेयर,
तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा पोइसलियर मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर हमें दोस्तों मिला नहीं है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पूछा है द डिफरेंस ऑफ द लीनियर वेलोसिटी एनी पॉइंट ऑन ए लिंक विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक विल बी, ये कितना होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द लिंक ज्वाइनिंग द पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, डिजाइन ऑफ द पिस्टन हेड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड रहेगा पिस्टन हेड, स्ट्रेंथ एंड हीट ट्रांसफर कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में पेट्रोफ इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द पेट्रोफ, जो इक्वेशन है वो क्यों यूज में लेते हैं मन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द जर्नल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 में अंडर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशन आर, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर होगा इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, है द ऑब्जेक्शन ऑफ कॉल्किंग इन ए रिवेटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्री फ्रॉम स्ट्रेस होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46, इन अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम द वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी अबो एंड बिलो मीन रेस्टिंग टॉर्क लाइन इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा फ्लक्चुएटिंग ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोफ्लेक्चर अकर इन, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोफ्लेक्चर अकर इन किस में अकर होगा, क्वेश्चन नंबर 47 में करेक्ट आंसर होगा ओवरहेलिंग बीम ओनली, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हॉप स्ट्रेस आर एक्टिंग अक्रॉस द सर्कमफेरेंशियल फंक्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिएक्शन ऑफ द इनर वेल इंक्रीज एंड ऑन द आउटर वेल डिक्रीज, यानी इनर वेल में इंक्रीज होगा और आउटर वेल में डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज, तो उस रेशियो को क्या बोलेंगे अपन, पॉइजन रेशियो, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इन फिलेट वेल्ड जॉइंट द थ्रोट ऑफ वेल्ड एज कंपेयर टू द साइज ऑफ वेल्ड इज अबाउट 0.707 टाइम्स, यानी कि कितना होगा, 1 बाई रूट टू टाइम्स होगा, तो ये कितना होगा, अबाउट 0.707 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 52, डीप ग्रो बॉल बियरिंग आर यूज्ड फॉर कंबाइंड थ्रस्ट एंड रेडियल लोड एट हाई स्पीड, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ द एयर स्क्रू ऑफ एन एरोप्लेन रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन, तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, टेंस टू राइज द टेल एंड डिप्रेस द नोज, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट इज अफेक्टेड बाय द, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा डायमीटर एंड स्पाम ऑफ द शाफ्ट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी द मैकेनिज्म फॉर मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू द रिवर्स स्ट्रेस इज, क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ टू मैक्सिमम स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टीथ आपको दी हुई है, तो इसके अंदर आपको कैलकुलेट, देन द नंबर ऑफ टीथ ऑन द मेटिंग पिनियन रोटेटिंग एट 15,000 आरपीएम स्पीड, आपको इस स्पीड पे जो नंबर ऑफ द टीथ है वो कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर होगा 18 नंबर ऑफ द टीथ, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 न्यूमेरिकल है, 57 जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको जो वैल्यू निकाल, द एलंगेशन ऑफ द बार विल बी, तो क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर होगा इसका 1.25 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, ये भी न्यूमेरिकल है,
तो इसका जो आंसर होगा 58 का वो होगा 2.9, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 2.9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्रू इन स्क्रू जॉ 59 में स्क्रू जॉ की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पी इज गोस टू डब्ल्यू टेन एल्फा प्लस फाइव, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 60, द टॉर्शनल शियर्स स्ट्रेस इज, तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीरो एट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैक्सिमम एट आउटर सरफेस, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसका 61 का जो न्यूमेरिकल है इसका करेक्ट आंसर होगा 22.5 किलो न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द कॉस्ट ओरियंट डिजाइन बाय द FG300 इज, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा वो होगा ग्रे कॉस्ट आयरन विद अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ 300 न्यूटन एमएम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, इन अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, तो 63 में करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कॉन क्लंच इज सेम एज दैट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 64 में करेक्ट आंसर होगा कॉनोनिकल पिवट बियरिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हमें दोस्तों मिला नहीं, अगर आप ये क्वेश्चन करके आए हो आपका सही आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, द टाइम द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड द डिटरमाइनिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पीआरटी रिक्वायर्स, तो ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर होगा 3, ट्रिपल टाइम एस्टिमेटेड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कोल्ड सेंट इज फॉरगेन डिफेक्टेड कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्रॉपर कोलिंग ऑफ द लार्ज फॉर्गिंग, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो स्पेसिफिक। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था, मैं क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको मैं आंसर वो बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और उसका आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में आपको पूछा कि केस लिविंग इज रेगुलर सर्विस इज कॉल्ड, तो ये आपको डेफिनेशन पूछी है, ये डेफिनेशन किसी है क्वेश्चन नंबर 70, तो इसका आंसर हमें दोस्तों मिला नहीं है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, इसका भी आंसर हमें नहीं मिला है, SIRO डिस्प्लेन, तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 और 71 का हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नेक्स्ट 72 का भी दोस्तों हमें नहीं मिला है, तो इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 73, पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड ऑफ, जो पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा कॉस्ट आयरन का, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, फॉर सेल्फ फोरकास्टिंग पोलिंग ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इज मेड यूज ऑफ, इन क्वेश्चन नंबर 74 में करेक्ट आंसर होगा स्टैटिकल कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वीईडी एनालिसिस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्ट लेआउट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इफ द नंबर ऑफ फील्ड स्लॉट वर, तो क्वेश्चन नंबर 77 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इक्वल टू 36, ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का भी हमें आंसर है वो नहीं मिला है, तो आप हमें इसका भी ऑप्शन कमेंट में इसका ऑप्शन लिख के बताएं कि इसका करेक्ट आंसर वो क्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाथ वेयर मिनिमम रिसोर्स आर यूज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर वो होगा फ्रंट फेस ओनली, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा
ऑप्शन नंबर टू इज डबल्ड, यानी कि इन द ईओक्यू मॉडल इफ द यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल देन ईओक्यू विल बी ईओक्यू विल ऑल्सो बी डबल. ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82. क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज. ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 में करेक्ट आंसर होगा पेरिटेसिटिक. ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84. तो दोस्तों 84 का भी हमें आंसर वो नहीं मिला है, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जरूर बताएं अगर आप क्वेश्चन करके आए हैं तो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होगा डेजिग्नेशन ऑफ टॉलरेंस विद बेसिक साइज 50 mm. ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 86 में करेक्ट आंसर होगा नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में आपको वैल्यू बतानी है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा K1 by del1 plus K2 by del2. तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 में करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट. ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 में करेक्ट आंसर होगा 23.5 degrees Celsius. ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 में है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर विद राइज इन टेम्परेचर. तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर वो होगा डिक्रीज, टेम्परेचर वो डिक्रीज होगा, राइज इन टेम्परेचर तो कॉपर वो डिक्रीज, कॉपर डिक्रीज होगा टेम्परेचर राइज के साथ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. फॉर कंप्लीटली ड्राई एयर टोटल हीट इज. तो क्वेश्चन नंबर 91 में करेक्ट आंसर होगा टोटल सेंसिबल हीट. ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, 50 kilowatt. ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेफ फैक्टर फॉर टू इन्फाइनाइट पैडल्स सरफेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एक्स. तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन क्लियरेंस टू स्ट्रोक रेशियो. ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 2, द मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन लार्ज इन हायर फॉर सुपर हीट साइकिल. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96. इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पीरियोडिक डिफ्रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज फॉरेस्टिंग. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर 4, पार्शियली ब्लॉकिंग रेफ्रिजरेशन फ्लो. ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97. क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है वो होगा प्रेशर. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर. तो 98 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेप्थ ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99. क्वेश्चन नंबर 99 है अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडेड इंसुलेशन विद इंक्रीज हीट लॉस. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100. द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन इन एयरक्राफ्ट लीड्स टू. इसका करेक्ट आंसर होगा हायर फ्लो रेट थ्रू द इंजन. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा. दोस्तों ये जो मैक्सिमम लगभग हमने 85 to 90 क्वेश्चन हमने जो आंसर हो वो बता दिए मैंने. लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने नहीं बताया. अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और जो क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए उनमें अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. तो दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं जो RPSC ITI वाइस प्रिंसिपल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज वो कट ऑफ वो डिस्कस करेंगे हम. तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. तो दोस्तों ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टाटा, गुड बाय.